नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देवीदास। मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है रेल कर्मचारी डिपेंडेंसी रूल जाने। तो दोस्तों, जो भी रेल कर्मचारी है और अभी HRMS में नए नए अपडेट हो रहे हैं, तो उसमें आपके रेल कर्मचारी होने के कारण आपके ऊपर कौन कौन आपके रिलेटिव डिपेंड हो सकते हैं, तो उसके डिपेंडेंसी रूल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल क्रोम में जाकर अपना HRMS ID, पासवर्ड और OTP डालकर वेरीफाई करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको पता है यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक एरो होता है, एरो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में डिपेंडेंसी रूल्स यानी नियम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का जो डैशबोर्ड खुल जाएगा, पेज खुलेगा, तो यहाँ लिखा है IRHRMS ESS V2। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों, यहाँ जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है व्यू एडिट माई डिटेल्स, यहाँ पर जाना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दोस्त इसके डिपेंडेंट कौन हो सकता है, इसके लिए क्या सर्टिफिकेट जोड़नी लगेगी, इनकी एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह का डैशबोर्ड खुलने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो फैमिली लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फैमिली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अभी HRMS में जितने भी आप लॉगिन मेंबर होंगे घर के, आपको छोड़कर यहाँ पे दिख जाएंगे। आपका नाम यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन आपके फैमिली के मेंबर दिख जाएंगे। जैसे कि अभी मैं और मेरे ऊपर डिपेंडेंट जो 3 मेंबर्स है, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे जाने के बाद में आपको एक पेज दिखेगा नोट का, या लिखा है इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन 1 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ फॉर फैमिली मेंबर्स, आइदर ऑफ पैन आधार और अल्टरनेट ID कार्ड इज मैंडेटरी। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड मेंबर डिपेंडेंसी रूल्स। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में ये जो है PDF फाइल है, PDF में जाना है। तो दोस्तों, ये मैं यहाँ पर ये PDF फाइल आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी रूल्स सब जानने को मिल जाएंगे। तो आपको ये जब PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं ये इसको सीधा करना होगा दोस्तों। अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरा पेज खुल गया है। यहाँ पर लिखा है फादर नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कैनॉट बी डिपेंडेंट, या लिखा है मेंबर एज नो, जो भी मदर फादर है जो डायरेक्ट आपके ऊपर डिपेंड है उनको कुछ भी नहीं, नो लिखा हुआ है, या देख लीजिए आप। और फिर नीचे अगर आते हैं तो क्या लिखा है विडो मदर। तो दोस्तों, मैं थोड़ा और बड़ा करके बताता हूँ। विडो मदर क्या लिखा है, फादर डेथ सर्टिफिकेट। तो जब आपके अगर फादर की डेथ हो गई हो और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या लगेगा, फादर डेथ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ लगेगा। और उसके बाद डिपेंडेंसी रीजन क्या है दोस्तों, इफ़ फादर ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट अलाइव एंड मदर इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। तो दोस्तों, ये इस तरह के यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और ये किसके लिए है, ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए है। यहाँ पे मदर, फादर, विडो मदर, वाइफ, सेकंड वाइफ, हस्बैंड, सन, और ये एडॉप्शन सन एडॉप्टेड है दोस्तों, हो एडॉप्टेड सन, और यहाँ पे स्टेप सन, और नीचे में भी लिखा है दोस्तों हो यहाँ पे। और ये तो वन पेज हो गया, उसके बाद में और भी पेज है। यहाँ देखिए आप, और कौन, विडो डॉटर भी है, ड्राइवर जिनका हुआ है वो भी डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, एडॉप्टेड डॉटर है, स्टेप डॉटर है, ब्रदर, कौन कौन से ब्रदर है, सिस्टर है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉलम है, ये जो चार्ट है, इसमें सारे रूल्स, नियम, एज प्रूफ सभी चीज़ें
लिखी हुई है। तो दोस्तों मुझे बार ये ब्रदर, जैसे कि रेलवे एम्प्लॉय का जो ब्रदर है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर, इनकम सर्टिफिकेट, एज 21, यहाँ लिखा हुआ है, सारे रूल्स एंड नियम इसमें लिखे हैं। तो दोस्तों हो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो इसके ऊपर बना दूँ और सब लोग रेलवे कर्मचारी जाने कि अपने ऊपर जो जो भी डिपेंडेंट है उनके लिए एज प्रूफ क्या होगी, सर्टिफिकेट क्या होगा, उसके नियम क्या होंगे कि कब वो अपने ऊपर डिपेंड हो सकता है। तो दोस्तों ये है डिपेंडेंसी रूल, यहाँ पे आप पीडीएफ में देख लीजिए। अगर आपके ऊपर पीडीएफ की ऐप नहीं होगी, एप्लीकेशन नहीं होगी, तो डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे पूछ सकते हो, तो दोस्तों मैं उसका आंसर बराबर दे देता हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों अगेंस्ट आपको एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।